गुड इवनिंग टू ऑल, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट था कि SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। जो पिछले साल के जो वैकेंसी थी, जो नोटिफिकेशन था, वो 26 अप्रैल को आया था और अप्रैल ख़त्म हो गया, मई ख़त्म हो गया, जून ख़त्म हो गया और जुलाई ख़त्म होने वाला है। SBI का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो क्या CET इंक्लूड होकर आएगा क्या, या फिर वैकेंसी है ही नहीं, ऐसा ऐसा रूमर फैलाया जा रहा है। तो देखिए, आपको कुछ बातें जो है पता होनी चाहिए कि जो CET इंक्लूड होकर आएगा वो अभी नहीं, अक्टूबर या नवंबर मंथ से CET लागू होने वाला है। लेकिन नोटिफिकेशन जो आपको SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये है कि CET इंक्लूड होकर SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते थे वैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम होगा और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, पिछले साल जो नोटिफिकेशन था वो 26 अप्रैल को आया था और वैकेंसी भी कम थी, 5000 के आसपास थी। इस बार नोटिफिकेशन में लेट हो रहा है लेकिन वैकेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, 7000 प्लस आप लोग का वैकेंसी करीब करीब आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। कभी भी नोटिफिकेशन आएगा और अचानक से आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो आप लोग नोटिफिकेशन का वेट ज़्यादा मत कीजिए, आप लोग प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी अपडेट देती हूँ वो आपको मिल सके। धन्यवाद।